हाय, पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। आज मैं लेकर आई हूँ कोजागिरी स्पेशल मसाला दूध रेसिपी। तो इसका पाउडर घर में कैसे बनाएंगे और इसका दूध कैसे बनाएंगे, ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं, तो आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कलर तो कितना अच्छा आया है ना। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी डाल के ऐसे सभी जगह से हिला के लिया है। ऐसा करने से हमारा दूध तले में लगेगा नहीं। तो मैंने इसमें 1.25 लीटर तक दूध डाल के लिया है। तो चलिए दूध को उबालने के लिए रखेंगे। दूध उबालने तक हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने चारोड़ी, पिस्ता, बादाम, इलायची और काजू लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इलायची को अच्छी तरह से छील के लेंगे। तो इलायची को छील के लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डाल के लेंगे 1 चम्मच घी। तो चलिए घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट करके लेंगे। तो इसमें मैंने ऐसे बादाम रोस्ट करके लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमको बादाम को रोस्ट करके लेना है। तो देखिए 1.5 मिनट के लिए हमको इसको इस तरह से रोस्ट करके लेना है। अब इसमें मैंने डाल के लिया है काजू। काजुओं को भी हम इसी तरह से रोस्ट करके लेंगे। तो इनको भूनना ज़रूरी है। अगर आप 1 दिन के लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रखूँगी ये पाउडर, तो इसलिए मैं इसको भून रही हूँ। तो चलिए मैंने इधर पिस्ता भी डाल के लिया है। तो इनको भी इस तरह से भून के लेना है। तो देखिए काजू का कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़े अच्छी तरह से पक भी गए हैं। इनको निकालेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रख के इसमें हम चारोड़ी भी इस तरह से रोस्ट करके लेंगे। तो देखिए मैंने इसको भी इस तरह से रोस्ट करके लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। अब चलिए इसको भी हम निकाल के लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भी फूल चुकी है। इनको हम साइड में निकाल के लेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची को मिक्सर में पीस लेंगे। तो देखिए इधर हमारा दूध भी इस तरह से उबल चुका है। तो देखिए दूध ऐसे गाढ़ा होने तक हमको थोड़ा उबाल के लेना है। तो चलिए मैंने इधर केसर को भिगो के रखा था। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो गर्मा गर्म दूध में आप केसर को आधा घंटे पहले ही भिगो के रखिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको उबालने देते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कटोरा शक्कर। शक्कर आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमको हिलाते हुए इसको पका के लेना है। तो चलिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। मिक्सर के जार में उसको डाल के इलायची भी डाल के हम इसको बारीक पीस के लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से हम पीस के लेंगे। आप ये पाउडर बना के ऐसे 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। तो चलिए अच्छी तरह से पाउडर बन चुका है, इसको हम एक कटोरे में निकाल के लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम एक जार में नहीं तो पैक बंद डब्बे में इसको बंद करके रख सकते हैं। अब चलिए बचे हुए चारोड़ी को हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके लेंगे। जो चारोड़ी है, चिलौंजी भी बोलते हैं इसको, इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। हमको इनको मिक्सर में पीसना नहीं है, ये याद रखिए। तो चलिए इसको हम ऐसे ही पैक बंद डब्बे में डाल के रखेंगे। अब चलिए हमारा दूध भी उबल चुका है, तो इसमें हम इसमें से पाउडर डाल के लेंगे।
अब चलिए अच्छी तरह से दूध को भी उबल आ चुका है। तो देखिए दूध भी हमारा पूरा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल के ले सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं डाल के लूँगी 2 चम्मच हमने जो घर में बनाया है मसाला मिल्क पाउडर। तो देखिए इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके लीजिए, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती है। नहीं तो आप एक कटोरे में पाउडर लेके उसमें थोड़ा दूध डाल के मिक्स करके भी इसमें डाल के ले सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त बना है हमारा कोजागिरी स्पेशल मसाला दूध रेसिपी। इसी तरह से आप भी बनाइए। पल्लवी लाइफस्टाइल चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है। तो इसको मैंने इस तरह से ग्लास में सर्व किया है। इसी तरह से आप भी बनाइए और इसको ज़रूर पीजिए, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप जो भगोना है उसको चांद में बाहर पूर्णिमा कि चांद में उसको रख के उसमें चांद देख के आप इसको पी सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है ना हमारी ये मसाला दूध रेसिपी। तो आप ज़रूर बनाइए पिए, और मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।